हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश सिंह, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत अच्छे से हो रही होगी। जैसे कि आपको सभी को पता है, ग्रुप डी का एग्जाम आपका 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको देखते हुए मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए लगातार मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट देता जा रहा हूँ, यानी प्रैक्टिस सेट से आप लोगों के लिए क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग मेहनत के साथ जुड़ जाइए, यानी कि अपने सपने के लिए साकार करने का समय आ गया है। आप लोगों ने बहुत इंतजार किया और बहुत इंतजार करने के बाद में अब मुझे लगता है आपका इंतजार खत्म हुआ। अब बस मेहनत और मेहनत करते रहिए। जब तक मेहनत नहीं है तब तक कुछ भी नहीं। तो आइए बच्चों, आज फिर मैं आपको बता दूं, जैसे कि इस प्रैक्टिस सेट से मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनके लिए मैं आपके लिए रिवाइज करा रहा हूँ, उनके लिए मैं आपको करा रहा हूँ। यानी कि जैसे आपको पता होगा 2018 में जो मैथ के क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, कैसा रहा आपका लेवल, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लेवल वही रहेगा। बस अंतर ये होगा कि संख्याएं चेंज होंगी। संख्याएं अंकों को चेंज करने से कोई ऐसा नहीं होता है कि आप उनके लिए कर नहीं पाएंगे। तो देखिए, इसके लिए करना क्या है, मेहनत। जब तक मेहनत नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। तो आइए बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चनों की। तो देखिए, क्वेश्चनों की बात करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर ज्यादा ज्यादा करते रहे। तो भाइयों, अगर हाँ, लाइक कमेंट शेयर भी तभी करना जब वास्तव में आपके लिए लगे कि आपके सही समझ में आया है, आपके लिए सही से समझाया गया है। तो आओ बच्चों, बात करेंगे हम क्वेश्चन की। जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि 31 से पहले के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, यानी कि दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि जो भी रहा होगा टोटल कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। इसमें से कितने लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 8% ने, यानी कि 100% जो भी है। जैसे मान लो आपके गांव में 500 वोटे हैं, 1000 वोटे हैं, 600 वोटे हैं, 1700 वोटे हैं, 2000 वोटे हैं, 4000 वोटे हैं, जो भी संख्या है वो 100% है। उसमें से मान लो 8% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने दिया, 92% लोगों ने वोट दिया। उसके बाद क्या कहा गया है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके, जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया, 48%, और 48% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। कितने मतों से पराजित कर दिया, 1100 मतों से पराजित कर दिया, यानी 1100 मतों से, यानी 1100 वोटों से हरा दिया। टोटल 92 है, 48 ये हो गया, तो कितना बचा आपका, 44%। यानी कि जीतने वाले को 48% प्राप्त हुआ है, तो हारने वाले के लिए कितना, 44। इन दोनों का डिफरेंस क्या रहा, इन दोनों का डिफरेंस रहा 4%। जो 4% डिफरेंस रहा वो किसका रहा, यानी कि जीतने वाले का 4% अधिक रहा। अब जीतने वाले का जो अधिक रहा, जितना अधिक प्राप्त किया होगा वही तो, उसी से तो जीत हुई होगी, यानी कि वो जीत कितने से हुई, जीता कितने से, 1100 मतों से, यानी कि 4% के बराबर 1100। पूछा क्या है, पूछा गया है इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, यानी कि टोटल गांव के जो मतदाता थे उनकी संख्या पूछी गई है। तो देखिए, यहाँ पर क्या करना है, 4 × 4 यानी 1% आ जाएगा, और 4 × 2 कितना, 8, यहाँ से बचा 3, हो गया 3, 4 × 7 = 28, 2 × 2 = 20, 4 × 5 = 20, यानी 1% के बराबर 275। अब कुल का निकालना है, जब भी टोटल की बात कर रहा होगा तो कितना निकालना है, 100%। 1% बराबर ये, तो 100% बराबर कितना, 275, और आपका 00, यानी कि 27,500 वोट उस गांव में, यानी उस जगह पर कुल वोटों की संख्या क्या रही, 27,500। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या कहा गया है, राम के कुल रुपयों में से, राम के पास कुल रुपए जो भी थे, जो भी रहे होंगे, बात की बात है, राम के कुल रुपयों में से 20 प्रतिशत
से धन खो गया। अब वो खो गया या खर्च कर दिया, जो भी है वो आप उसके पास से तो निकल गया, तो यानी कि 20%। 20% का मतलब हुआ बच्चों, प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 कितना हुआ, 1/5। उसके बाद कह रहा है शेष का 25% खर्च करने के पश्चात, शेष का यानी कि इतना करने के बाद जो शेष बचा हुआ है उसका कितना, 25%। तो 25% को प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौक 100, यानी कि 1/4। तो शेष कितना धन बच जाता है, उसके बाद 480 रुपए बचे। राम के पास आरंभ में कितना धन था, यानी कि शुरुआत में जो राम के पास धन था वो क्या था, तो मैंने आपके लिए बताया होगा, इससे पहले भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कुछ कराए हैं और आज भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, जब शेष का की बात हो रही हो तो हमेशा याद रखिए ये वाला मान ऊपर जाएगा, ये बटे वाला मान कहा जाएगा ऊपर, यानी कि ये 5 बटे में लिखा जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4। गुणा में लिखा जाएगा ये वाला मान कहा जाएगा ऊपर, यानी 4। बटे में लिखा जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 3। गुणा जो बचा हुआ राशि है, जो भी बची हुई राशि है वो लिखना है, बची हुई राशि कितनी है 480 रुपए। देखिए 4 से 4 कट हुआ, 3 एकम 3 हुआ, 3 एकम 3 1/4 3 6 18 यानी 160। देखो 0 का 0 और 16 पंजे कितना होता है 80, कितना आया आपका 800 रुपए। उसके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे, 800 रुपए, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे क्वेश्चनों को सेकंडों में आप कर सकते हैं, सेकंडों में कर सकते हैं। अब आपको ये वैल्यू पता नहीं होगा, 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4, डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे इसके लिए सेकंड में, यानी कि 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 33, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या कहा जा रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहां पर कहा गया है, यदि किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 5/6 भाग पर बेचा जाए, यानी कि क्रय मूल्य के 5/6 भाग पर बेचा जाए, यानी कि टोटल 1 मान लीजिए, 1 में से माइनस कर दो 5/6 भाग, तो यह कितना बचेगा, 6 एकम 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1/6, यानी कि 1/6 कम क्रय मूल्य पर, कम मूल्य पर, किस पर, कम मूल्य पर, कम मूल्य पर बेचा जा रहा है, यानी कितने पर बेचा जा रहा है, 1/6 कम मूल्य पर बेचा जा रहा है। तो पूछा क्या गया है, प्रतिशत लाभ या हानि, जब कम पर बेचा जा रहा है तो प्रतिशत लॉस ही तो होगा, तो 1/6 गुणा कितना हो जाएगा आपका 100, 2 × 3 = 6 होगा 2 × 5 = 10 होगा, और 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 2 = 20 3 6 = 18 होगा, यानी कि 16 सही, यहां से कितना बचा 2 बचा, इससे भाग दिया 3, 16 से 2/3 प्रतिशत होगा, 16 से 2/3 प्रतिशत लाभ हुआ। तो आइए तो सॉरी लॉस क्या हुआ, कम पर कम मूल्य पर बेचा जा रहा है तो लॉस हुआ हमारे लिए, यानी कि अगर हम बात करेंगे 16 से 2/3 प्रतिशत, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य और आपका विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो दिया है 5:6 के अनुपात में हो तो लाभ की प्रतिशतता होगी, यानी कि लाभ कितने प्रतिशत होगा। तो देखिए 5 रुपए में यहां पर खरीदा, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब 5 रुपए में खरीदा है, तो 6 रुपए में बेचा, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर कितने का लाभ हुआ, 5 में खरीदा 6 में बेचे 1 रुपए का लाभ हुआ, किस पर हुआ, 5 पर हुआ, गुणा कितना
सौ, पांच दूनी कितना 10, कितना आया आपका 20%, कितना लाभ हुआ 20% लाभ हुआ है। यहां पर बात करेंगे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 36। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर डॉट 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 मतलब लिखते चले जाइए, ये कहां तक है अनंत तक, यानी कि बराबर क्या होगा। तो हमेशा याद रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखिए आपके लिए क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। जैसे 3 × 4 इनका फैक्टर करते समय बस इतना ध्यान रखना है इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस एक होना चाहिए, कितना होना चाहिए एक अंतर होना चाहिए। अगर यहां पर प्लस का चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो यहां पर हमेशा याद रखिए बड़ी वाली संख्या हमारा उत्तर हो जाएगा, अगर यहां पर माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है यानी कि साइन जो हमारा माइनस का है तो हमेशा छोटा वाला उत्तर होगा, तो यहां पर प्लस का प्रयोग किया गया है तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, चिंता ना करें बिल्कुल भी, बिल्कुल चिंता ना करें, वीडियो के अंत तक आप बने रहें, आपके लिए एक से एक अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखिए यहां पर क्वेश्चन 37, इसमें क्या कहा जा रहा है, आज रीना सीमा की दो वर्ष पूर्व की उम्र को की 2 गुना है, यदि उनकी उम्र में 2 वर्ष का अंतर है तब रीना की आयु बताएं, 2 वर्ष का अंतर तो रीना की आयु बताएं। तो यहां पर क्या करेंगे, टी बटे एक्स माइनस 1 × x, मतलब समझिए जो अंतर दिया वो एक्स एक 2 वर्ष, तो यहां पर क्या करना है रीना की आयु बताना है, किसकी आयु बताना है रीना की आयु, तो रीना की जब आयु बताना है तो आपको यहां पर करना क्या है, यहां पर करना यह है 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है और फिर 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष का अंतर दिया है बटे एक्स का मान कितना है 2, यानी कि जो दो वर्ष का अंतर दिया जा रहा है वो क्या है एक्स का मान है, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप 2 − x = 2 और −1, यहां पर x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो देखिए यहां पर करना क्या है, 2 × 4 × 2 कितना हुआ 8, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, 1 लिखा नहीं जाएगा तो कितना आएगा 8 वर्ष। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ए ऑप्शन सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा बच्चों ए ऑप्शन होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जयेश यानी कि जयेश की बात हो रही है, जयेश अनिल की बात हो रही है, फिर अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से, प्रशांत की बात हो रही, तो इनके लिए अनुपात में चेंज कर लो, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, किससे बड़ा है प्रशांत से बड़ा है, तो सबसे पहली बात एक काम करिए प्रशांत की उम्र से बात किसकी कहां से शुरू होनी चाहिए प्रशांत से, तो वो कह रहा है प्रशांत से बड़ा है, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, तो पहले काम क्या करेंगे ये कितना 1 मान लीजिए, हमें पता नहीं है तो 1 मान लीजिए, अब जो जयेश है वो प्रशांत से जितना बड़ा है, प्रशांत से जितना बड़ा है 1 बड़ा कह दें हम तो ये 2 हो गया, उतना ही अनिल से छोटा है, यानी कि अनिल से कितना छोटा है उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, प्रशांत से कितना बड़ा है 1 बड़ा है, तो अनिल से कितना छोटा होगा 1 ही छोटा होगा, तो इसका मतलब कितना होगा ये 3 ही तो होगा, बस यहां पर ये बना लिए तो उत्तर आपका आराम से हो जाएगा, कुछ भी नहीं है यहां पर बनाने के लिए, जयेश अनिल प्रशांत क्रम से जो जो दिया है वो लिख दिया, उसके बाद में उसने ये कहा था जयेश जो है यानी कि ये वाला व्यक्ति जो है वो अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, अब हमें नहीं पता प्रशांत की आयु क्या है, तो हमने कह दिया 1 वर्ष है, तो प्रशांत से बड़ा कितना कर दिया हमने 1 वर्ष कर दिया, और प्रशांत से 1 वर्ष बड़ा है जितना ये अनिल से छोटा है उतना ही अनिल से छोटा है, तो
तो फिर जानते हैं एक ही वर्ष तो बड़ा है, तो एक वर्ष ये बड़ा होगा इससे, जैसे तो ये तीन वर्ष होगा, तीन वर्ष मतलब एक वर्ष इससे ये छोटा होगा, अनुपात निकल आया। अनिल अनिल और क्या है प्रशांत की आयु पर इन दोनों की आयु का जो योग है वो 48 वर्ष है, तो इनके अनुपात का योग कितना होगा, चार हुआ, कितना हुआ, चार हुआ। अब चार के बराबर कितना आपका 48 हुआ, चार एक चार हुआ, चार एक चार दुनिया हुए, एक के बराबर 12 हुआ। हमसे पूछा क्या गया है, तो जयेश की आयु क्या है, जब एक के बराबर 12 है तो दो के बराबर वैल्यू क्या होगी, तो दो से गुणा कर दे, सॉरी 12 से गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 वर्ष। जयेश जो है वो कितने वर्ष का है, 24 वर्ष का है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए जो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। क्या है हमारा 39, यहां पर कह रहा है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर, कोई संख्या है उसके लिए 114 से क्या दिया है, भाग किया है, तो शेष कितना बच रहा है आपका, 21 बचता है, शेष 21 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 19 से भाग देने पर, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, यानी कि कोई संख्या थी उसके लिए 114 से भाग दिया तो शेष ये बचा, अगर उसी संख्या के लिए 19 से भाग देते तो शेष कितना बचेगा। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन मिल जाए आपके लिए तो हमेशा याद रखेंगे इस भाजक से इस शेष को भाग दे देना है, यानी कि 19 से भाग दे देना है आपने 21 के लिए, 19 कितना बचा, 11 बन जाएगा, 2 बचा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचा, तो क्या है जो शेष बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारे यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है इस तरह से कुछ 1+2+3+.+49+50+++.+3+2+1 बराबर है, मतलब इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो हमेशा याद रखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, योग पूछा गया है। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो सेकंड से पहले निकालेंगे, योग बराबर अधिकतम संख्या, कैसी संख्या, अधिकतम, अधिकतम संख्या का वर्ग कर देना है, क्या कर देना है, अधिकतम संख्या का वर्ग कर देना है। तो यहाँ पर अधिकतम संख्या जो पहले बढ़ते क्रम में है फिर घटते क्रम में है, तो अधिकतम संख्या क्या है यहाँ पर 50 है, यानी कि 50 का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। 50 का वर्ग कितना, जो 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा, 0 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 00 हो जाएगा, यानी कि 2500 आपका यहाँ पर उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूंगा 2500 तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा हमारा 41। क्या होगा 41, यहां पर क्या कहा गया है, 7/18 दिया है, 7/18, 3/16 दिया है आपका, 5/12 दिया है, और इसका क्या पूछा गया है, HCF पूछा गया है, यानी कि महत्तम समावर्तक पूछा गया है। तो बच्चों देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, इससे पहले मैं आपको बता दूं जब कभी भी अंश बटे हर के रूप में दिया जाए तो आप कैसे करेंगे, देखो इनवर्ट से पहले आप ही निकालेंगे, यानी कि HCF दिया जाए, HCF निकालना हो, क्या हो, HCF निकालना हो, तो देखिए ये आपका अंश होता है और बटे में जो होता है वो आपका क्या होता है, हर होता है। तो HCF पूछा जाए तो अंश का क्या निकालेंगे आप, HCF निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे आप, LCM निकालेंगे, बस इतना करना था। तो देखिए बच्चों इसका HCF ही तो निकालना है आपको, HCF इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है। HCF का मतलब होता है कोमन लेना, देखिए LCM HCF का अगर चैप्टर आपने नहीं पढ़ा हो तो वीडियो आपके लिए मिल जाएंगे, आराम से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाकर के आपके लिए LCM HCF की प्ले लिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएगी, उससे आपको ये सब सीखने को मिल जाएगा। खैर तो 7, 3, 5 इसमें कोमन क्या हो रहा है, एक कोमन हो रहा है, तो एक हो गया हमारा HCF, जो कॉमन होता है वही HCF कहलाता है।
18, 16, 12 का अगर एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा, 144 आएगा। देखिए 18 से कट रहा है, 18 144, 16 आर में 144, 12 आर में 144, यानी कि 144 आपका हो जाएगा आपका, यानी कि एचसीएफ जो पूछा 7/18 और 3/16, 5/12 का जो एचसीएफ होगा वो 1/144 होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आओ बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यानी कि 2 की घात 3 और 3 की घात 2 इनका क्या पूछा गया है आपसे, एलसीएम पूछा गया है। जब इनका एलसीएम पूछा गया है तो बच्चों देखिए 2 की घात 3 या 3 की घात, यहाँ वाली जो आधार है ये समान नहीं है। जब समान नहीं है तो आप क्या करें, अगर समान होते तो बड़ी घात वाला जो होता वही हमारा एलसीएम हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है समान नहीं है। जब समान नहीं तो क्या करें, 2 की घात 3 कितना होता है 8, 3 की घात 2 कितना होता है 9, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 8×9=72, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 43। यहाँ पर क्या है, जैसे x+1/x=3 तो हमसे पूछा गया है x²+1/x²= क्या होगा, यही पूछा गया है। पहले यहाँ पर ये लिख दिया क्वेश्चन में x²+1/x²= क्या होगा, यदि x+1/x=3 हो तो हमेशा याद रखेंगे ये क्या है आपका स्क्वायर में है, तो आपके लिए क्या करना है इसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि यहाँ पर क्या करना होता है a²-2, अगर प्लस दिया है तो माइनस करना है, सॉरी यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ माइनस करना है, और यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ पर प्लस करना है। तो यहाँ पर a का मान क्या होता है ये वाला, 3 का वर्ग कितना हुआ 9, माइनस कितना हुआ 2, माइनस क्यों किया यहाँ पर प्लस है, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 44। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि कोई भी भिन्न होगी, यानी मान लो x/y है, ये रही हमारी मूल भिन्न, इसमें क्या है अंश ये है हर ये है, तो x/y में क्या किया इन्होंने, अंश के लिए 20% बढ़ा दिया जाए यानी कि 120% कर दिया जाए, और हर को 25% बढ़ा दिया जाए यानी कि 125% कर दिया जाए, तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न, यानी इसको करने के बाद परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है 3/5 होता है, 3/5 होता है, तो मूल भिन्न क्या है यानी कि x/y क्या है, तो ध्यान दें प्रतिशत से प्रतिशत आपका कट हो जाएगा, 3 × 3 होता है, 3×4=12 होता है, यहाँ देखो 5×5 होता है, 5×10=25 होता है, देखिए 25 हुआ और 5×8=40 हुआ, x/y को आप ऐसा ही रहने देंगे, बटे वाला 5 जाएगा 1 में गुणा करेगा जाके तो क्या होगा 5 होगा, बटे ऊपर वाला 8 आएगा तो बटे वाले 1 में गुणा करेगा तो क्या आएगा 8 आएगा, कितना आ जाएगा मूल भिन्न क्या थी आपकी 5/8 थी, मूल भिन्न क्या थी 5/8, यानी कि ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। आइए बच्चों पैतालीस नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है 5 सही 1/4 + 6 सही 2/3 + 7 सही 1/6 का मान होगा, देखिए हमेशा याद रखिए, देखो 5 और 6 = 11, 11 और 7 कितना होगा आपका 18, इसे लिखेंगे आप 1/4 + 2/3 + 1/6, आपको क्या करना है 18 + इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा, 4 × 12 = 4 / 12 3 आया, 3 × 1 = 3 × 3 3×4 = 4 / 2 = 8 हुआ, प्लस 6 से भाग 2 = 12 6×2 = 12 2 आया 2×1 = 2 यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 18 + 3 और 8 और 10 और 3 13 13/12 कितना होगा 12
यहाँ पर देखिए 12 एकन 12 है, एक पूर आ गया, जो पूर आ गया वो इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 19। यहाँ 12 के 12 किया था, 12 का टुकड़ा एक बचा, जो बचा वो यहाँ, जिससे भाग दिया वो यहाँ, 19 से एक बटा 12 है। यहाँ पर अगर हम बात करें 19 से एक बटा 12 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। देखिए ये लिखा है आपका 80 माइनस अंडर 112 बटे में दिया है आपका अंडर रूट 45 और ये माइनस अंडर रूट 63। आपको करना क्या है, आपको करना है इसको तोड़ सकते हैं 80 के लिए 16 गुणा 5, यानी कि जैसे ये दिया है इसको लिख सकते हैं 16 गुणा कितना 5, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4 आएगा, 4 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे 4 अंडर रूट 5 माइनस ऐसी 112 है, इसको क्या लिख सकते हैं 16 सत्य कितना होता है 16 सत्य 112 है, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और अंडर रूट में क्या बचेगा 7 बचेगा। ऐसे इसका देखिए 9 5 45, 9 का वर्गमूल कितना 3, अंडर रूट कितना बचा 5 माइनस 9 7 63, 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, अंडर रूट में कितना 7, यहां से 4 आपका क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 बचे, बटे में क्या आएगा 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7, ये वाला पद और ये वाला पद समान है तो कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 4/3, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों आज के इतने ही क्वेश्चन कराने थे और मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिके समझाई है, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस मैं आप सभी लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेहनत करिए और वीडियो के लिए थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, और शेयर तभी करना है जब आपके लिए वीडियो ये अच्छी तरह से समझ में आ रही है, और वास्तव में मैं आपके साथ में मेहनत कर रहा हूं, अगर मेहनत कर रहा हूं ग्रुप डी के लिए आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भाई हमारे पहली बार वीडियो के लिए देख रहे हैं वो पहले सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन के लिए प्रेस करें, और उसके बाद में ताकि आप सभी के पास में सबसे पहले हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और किसी भी वीडियो से आप वंचित ना हो पाए। तो सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। जय हिंद।